स्वागत है आपका, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज का मेरा सवाल है कि क्या भगवान भरोसे है आम जनता? ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं, इसे समझने के लिए आइए पहले देश का हाल आपको दिखाती हूं। तस्वीरें आपके सामने रखती हूं और जो तस्वीरें आपके सामने रखूंगी उसे देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि देश के हाल फिलहाल है क्या। जो पहली तस्वीर आपके सामने रख रही हूं वो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन की तस्वीर आपके सामने रखूंगी, जिसकी टपकती हुई तस्वीरें कई सवालों को खड़ा कर रही हैं। 1200 करोड़ की लागत से संसद की नई बिल्डिंग बनी, इस नई संसद में कामकाज शुरू हुए एक साल भी नहीं हुआ लेकिन चंद घंटों की बारिश में यहां लीकेज हो गया, छत से पानी टपकने लगा। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को बाल्टी का सहारा लेना पड़ा। ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर संसद में लीकेज की है, दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही ओल्ड राजेंद्र नगर की है जहां एक सप्ताह पहले ही बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद खूब बवाल मचा। आनन फानन में नालियों की सफाई हुई, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया लेकिन अगली ही बारिश में इन सभी दिखावों की पोल खुल गई। फिर वैसी ही तस्वीर दिखी जैसी नहीं दिखनी चाहिए थी। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है जहां बाकी इलाके तो छोड़िए, विधानसभा भवन में भी पानी भर गया, वो भी उस वक्त जब सदन की कार्यवाही चल रही थी। हालात ऐसे हो गए कि स्टाफ से लेकर विधायक तक पानी पानी हो गए, मुख्यमंत्री योगी को दूसरे रास्ते से बाहर निकलना पड़ा। आखिरी तस्वीर वायनाड की है जहां लैंडस्लाइड का कहर ऐसा बरपा कि सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई। दर्द तब और बढ़ गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि केरल सरकार को केंद्र की तरफ से लगातार अलर्ट भेजा जा रहा था लेकिन लोगों को वहां से शिफ्ट नहीं किया गया और इसी लापरवाही ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। अब सवाल है कि इन तस्वीरों पर होना क्या चाहिए, कमिटमेंट, डेडिकेशन और फुल एक्शन। लेकिन दुर्भाग्य ये हो रहा है इसका उलट। जहां कुदरत और सिस्टम दोनों की मार पड़ रही है वहां सियासी पार्टियां त्रासदी में भी पॉलिटिक्स करने में जुट गई हैं। दिल्ली में वाटर लॉगिंग पर अखिलेश चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं लेकिन संसद भवन में पानी टपकने पर वीडियो बनाकर तंज करते हैं। आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर हादसे पर अपनी गलती नहीं मानती लेकिन संसद में पानी टपकने के मामले पर केंद्र सरकार को लीकेज सरकार करार देती है। कांग्रेस का भी यही फसाना है। वायनाड हादसे को लेकर केरल सरकार ने जो केंद्र के अलर्ट को अनदेखा किया उसे कांग्रेस भी अनदेखा कर रही है। वजह शायद यह है कि वहीं से प्रियंका कुछ दिनों में चुनाव लड़ने वाली हैं। आज राहुल और प्रियंका वायनाड पहुंच भी गए हैं लेकिन यही कांग्रेस संसद में पानी टपकने को मोदी का कारनामा बताने में देर नहीं करती। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ताधारी बीजेपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो संसद में लीकेज पर चुप है लेकिन दिल्ली वाटर लॉगिंग पर दिल्ली सरकार को चौतरफा अटैक कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या सियासत का एक ही धर्म है आपदा में अवसर तलाशना? अगर हां तो फिर क्या जनता सच में भगवान भरोसे रह गई है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज के दो बड़े बयान। और अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा संसद लीक हो गई है, बाहर पेपर लीक होता है अंदर संसद लीक होती है, हर जगह लीक हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, हर जगह लीक, हर जगह लीकेज, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। इस पूरे देश में दिल्ली देश की राजधानी है लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। का एकमात्र उपाय है कि आम आदमी पार्टी को हटाइए, कांग्रेस को देख लिए हैं और भाजपा को लाइए। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी स्टूडियो से मेरे साथ हैं, आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मलूक नागर महासचिव आरएल जी हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तो बीजेपी के प्रवक्ता से करनी थी लेकिन फिलहाल उन्हें ज्वाइन करने में थोड़ी देरी है, तो प्रदीप जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई संसद में पानी टपका,
क्या विपक्ष ने एक बार फिर नैरेटिव झटका? धन्यवाद प्राची जी। देखिए सरकार जिस तरह से चल रही है, आपने देखा स्मार्ट सिटी की बात करने वाले, आदर्श विलेज की बात करने वाली, 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की, 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार किस तरह से प्रचार और भ्रष्टाचार में सराबोर है, और उसका नतीजा ये है कि आप लीकेज हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो पाताल में जाते हुए एक्सप्रेस हाईवे हमने देखे, आसमान में जाते हुए टर्मिनल हमने देखे, और किस तरह से पुलों को और सरकार को गर्त में जाते हुए हमने देखा। ये तो इस सरकार ने साफ नमूना दिखा दिया है कि किस तरह की सरकार इस देश में चल रही है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो लाखों करोड़ों बजटों की ये बात करते हैं दोनों सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी साल के बजट में 40,000 करोड़ रोड के लिए, 28,000 करोड़ उन्होंने वाटर मैनेजमेंट के लिए, और लगभग 23,000 करोड़ फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए रखा गया था। क्या हुआ नतीजा? 2 से 2,500 गाँव आप उसमें डूबे हुए हैं, बाढ़ में डूबे हुए हैं। उसी तरह से 25 जिले पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब बजट की बात आती है और जब उत्तर प्रदेश के लोगों को देने की बात आती है, तो आप देखिए प्राची जी, आप हिमाचल से लेके उत्तराखंड से लेके बिहार तक आपको फ्लड का बजट दे दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता जो सबसे ज़्यादा ग्रस्त है इस चीज़ से, उसके लिए एक पैसे की मदद ना उत्तर प्रदेश सरकार करती है और ना भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनडीए की सरकार देश की सरकार करती है। तो इस तरह की राजनीति से आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको वोट नहीं मिलेंगी तो आप ऐसी चीज करेंगे? अभी मैं सुन रहा था भाजपा के एक नेता को, वो बता रहे थे सरकार भी बना रहे थे अभी, अब आपदा में अवसर तो कौन ढूंढ रहा है? आपने उनका अगर व्यक्तित्व सुना होगा तो उसी में समझ जाएंगे किस तरह की बात कर रहे हैं। और विपक्ष का ये काम है कि जनता की जो परेशानी, मूलभूत सुविधाएं हैं, आपने सक्रिय होकर क्या काम किए, आपने प्रोएक्टिव क्या मेजर लिए, उसके लिए हम बात नहीं करेंगे तो विपक्ष किसके लिए बात करेगा? बहुत अच्छी बात कही, आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है, एक तो आपने इस तरफ इशारा किया, और विपक्ष की भूमिका क्या है आपने बताने की कोशिश की। तो क्या ये विपक्ष की भूमिका दिल्ली की जनता तक आते आते खत्म हो जाती है? दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम विपक्ष को नजर नहीं आती? वहां क्यों नहीं सवाल उठाते आप लोग कि पानी क्यों भर रहा है, किसकी कमी से भर रहा है, क्या कर रही है दिल्ली सरकार? हर जगह ही हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो दिल्ली संसद भी दिल्ली के अंदर ही है, और अगर संसद की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की भी बात हो रही है। और जो दिल्ली इतने सालों पुरानी दिल्ली है उसके बारे में हम बात करें, और उसके साथ साथ जो नई इमारतें बनी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कितने पुल एक हफ्ते में उठाते, तो आप दिल्ली में भरते हुए पानी का जिक्र करते, आप ओल्ड राजेंद्र नगर का जिक्र करते, संसद पर आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, नए निर्माण पर आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर की जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ उस पर भी एक सवाल पूछ देते तो लगता कि वाकई में जनता आप लोगों पर भरोसा करे और जनता की चिंता आप लोगों को है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पर भी चिंता जाहिर करी, उन्होंने जरूर चिंता जाहिर करी, और जवाब दे लेती हूँ, चलिए आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी, क्यों लीक प्रूफ नहीं है आपका सिस्टम और आपकी सरकार? देखिए कहीं पे घटना या दुर्घटना या कहीं पे वाटर लीकेज हो जाए उसके कारण से कोई सरकार लीकेज है ये कहना ठीक नहीं है, ये राजनीति है, पूरी राजनीति है। और अगर मैं उस पर मापदंड में देखूं तो मुझे सचमुच आज पहली संवेदना है तो उन केरल के साथियों के साथ करने की जिनके परिवारजन चले गए, लगभग 300 से लगभग ज्यादा जाने चले गई और लगभग 500 के लगभग अभी भी लोग लापता हैं, और 200 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं, अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं। एक संवेदना उनके लिए भी बनती है, आज पूरा देश और जितने यहाँ पैनल्स बैठे हैं जरा उनकी भी चिंता करते हैं। अब मैं अगर इस बारे में बात करूँ तो लीकेज की अगर ये बात करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो केरल का हुआ, और जबकि केरल सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हफ्ता भर पहले सूचना और भेज दी गई थी किस प्रकार की घटना हो सकती है, आप चिंता कर लें। अगर नहीं चिंता होती तो अब उसके पीछे भी हम दोष और आरोप लगाने की उसमें बात नहीं कर रहे, ना मैं किसी पे दोष लगा रहा हूँ, परंतु हाँ चिंता होनी चाहिए थी इस बात की कि अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपको सरकार मैसेजेस भेज रही है तो उस पर अलर्ट क्यों नहीं होता? बाकी राज्य सरकारें भी रही हैं, उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार रही, नवीन पटनायक साहब की सरकार रही, उनको अलर्ट जाता था, वह चिंता करते थे, और एक भी पशु की भी डेथ नहीं हुई, ऐसा स्थिति भी बनी जब एक पशु भी नहीं हताहत हुआ और सबके सबकी चिंता। केरल का दर्द तो पूरे देश को दिख रहा है,
और केरल के दर्द के साथ पूरा देश खड़ा भी हुआ है, लेकिन इस पर भी तो सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है ना। मैंने तो सीधा सवाल आपसे पूछा था कि कोई भी बिल्डिंग क्या लीक प्रूफ नहीं बना सकती है आपकी सरकार? 1200 करोड़ की लागत से बनी है नई संसद और आप ही लोगों ने कहा था बड़ी हाईटेक है। आप देखिए ना, पहली बारिश में पानी टपकने लगा, बाल्टी रखी हुई है जैसे आम घरों में रखी जाती है, ये देश की संसद के हाल है। मैं इसका उत्तर भी देता हूँ, परंतु अभी इन्होंने राम मंदिर की बात करी, देखिए किस प्रकार से ये हर बात पे धर्म को जोड़ते हैं, हर बात पे ये टंच कसते हैं राम के नाम का। इनको शायद राम के नाम से इतनी चिड़ है कि ये राम के नाम पर समाज का, समाज को, जहाँ जिन लोगों ने राम मंदिर और मुद्दे को एक साथ मत जोड़िए। मैं एक मिनट, यहाँ लीकेज की बात हो रही है, यहाँ आप राम मंदिर की बात की, उसकी बात हो रही है। अच्छा तस्वीर देख लीजिए सर, तस्वीर देख लीजिए प्रवक्ता ने, सर एक मिनट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं उसे छोड़कर आज जनता के लिए जवाब दे दीजिए। तस्वीर देख लीजिए, ये दिल्ली के संसद भवन की तस्वीर दिखा रही हूँ, नीले कलर की बाल्टी रखी हुई है, ऐसी संसद बनाई हमने 1200 करोड़ की लागत में, एक साल भी नहीं हुआ उद्घाटन किए हुए और पानी टपकने लगा। मैं अपनी बात पूरी कर इस बात का भी जवाब देता हूँ, परंतु अफसोस ये कि वह राम मंदिर की भी छत वो बनी ही नहीं, और वो बारिश होगी तो उस पर पानी आएगा आएगा, उस तरफ का डोम बना नहीं है, उस तरफ का छत, उस तरफ का जो पूरा ऊपर का छत बनी थी बनी नहीं, उद्घाटन कर दिया। तो इनको तो टंच कसना है, इन्होंने तो राम के नाम पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करनी है। आपको टोका नहीं दोस्त, मैंने मैंने आपको टोका नहीं, तो वो दिखता है कि किस प्रकार से टंच कसना है। जहां तक संसद का मामला है, ये आपको आज और एक आधे घंटे में जानकारी मिल जाएगी कहां से क्या लीकेज रही, कैसे क्या इशू रहा, वो एग्जैक्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। परंतु ये नहीं कि पूरी संसद लीक कर रही है, कहीं पर सर लीक कर रहा है ना, सवाल ये है कि लीक कर रहा है। दिल्ली में वाटर लॉगिंग पर आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन वहीं अगर एयरपोर्ट पर एक खंभा गिर जाता है उस पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, यहाँ संसद भवन टपकने लगती है उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं, और दिल्ली की वाटर लॉगिंग पर आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। कहाँ चुप्पी साधी, कहाँ चुप्पी साधी, चुप्पी तो ये ना, आप कह रहे हैं इंतजार कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ पर थी। आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं ना, लोकसभा सचिवालय की से आ गया है, समस्या का पता चलते ही समाधान हुआ है, अब आगे कोई लीकेज नहीं होगा, संसद में पानी टपकने पर ये बयान लोकसभा सचिवालय की तरफ से आ गया है। ग्लास टोम्स को जोड़े रखने वाला ग्लू पानी में बह गया, बहा तो ना सर, कमी तो हुई ना, ये तस्वीर तो पूरे देश ने देख ली ना कि संसद में पानी टपकता है। जी अब आप क्योंकि आपने कह दिया, मुझे यही अपेक्षा थी कि उत्तर आने वाला होगा किसी समय भी। देखिए अगर कहीं ग्लास डोम में कहीं जैसे दो जोड़ लगते हैं उसमें बीच में कहीं कुछ गर्मी के, इस पर गर्मी ज्यादा होने के कारण से इसके अंदर कहीं क्रैक आ गया और जो जोड़ है, इस जोड़ के अंदर मौसम को दोष देंगे, कभी दूसरी सरकारों को दोष देंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी आप सभी नेता अगर संभाल लें तो ये इस पानी पर या बारिश पर, तबाही पर मुझे चर्चा करने की जरूरत पड़े ही ना। आप निवान जी के पास जा रही हूँ, सीधा तहसील पूनावाला जी आपके पास आऊंगी। निवान जी, संसद का लीकेज तो आपको दिख गया, पेपर लीक से लेकर आपने संसद लीक तक पूरी कहानी जोड़ दी, लेकिन जो दिल्ली पानी पानी हो गई है उस पर जवाब देने से आप लोग बचते हैं, उस पर भी तो बोलिएगा ना। नहीं, देखिए बहुत बहुत नमस्कार, और हम कभी नहीं बचते हैं किसी भी बात से, हम जवाब देने में और अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते हैं। देखिए, और जहां तक मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, एक स्टेटमेंट में इतना कॉन्ट्रडिक्शन अगर कोई कर सकता है वो भाजपा के प्रवक्ता ही कर सकते हैं। इन्होंने शुरुआत क्या कह के करी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वही बीजेपी है जो पिछले 10 दिन से जो है वो केवल और केवल धरने कर रही है। ना इन्होंने कोई मदद करी, ना इन्होंने कोई सहायता करी, ना इन्होंने कोई काम किया, ना इनका कोई ऐसा आउटपुट, ऐसा इनपुट था जिससे कि कोई मदद मिल पाए। इन्होंने केवल और केवल राजनीति करी। आज ये कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि राम मंदिर की तो छत ही नहीं बनी, अभी उसका भवन ही नहीं बना तो तभी पानी नीचे आ गया। तो अरे, राम मंदिर की छत नहीं बनी तो आपने तो उद्घाटन किया उसका, तो आपने बिना छत बने उद्घाटन कर दिया। क्यों किया आपने, क्यों किया आपने, आपने आपने ऐसा ऐसा अनर्थ कैसे कर दिया आपने, एक भवन निर्माण के बिना उद्घाटन कर दिया। ये तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान है सरासर। ना तो आप अपने शब्द वापस ले लीजिए, क्या आप अपने बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ अलाइंड है इस बात में? आपने आज बीच में नहीं, देखिए आपको आपके बीच में बोलना किसी का पसंद नहीं है तो आप भी किसी के बीच में मत बोलिए ना सर। एक मिनट रुक जाइए, निवान जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। दो और मेहमान हैं, आपस में बहस करने लगते हैं तो समय चला जाता है। निवान जी,
आज ये फंस गए हैं। आज आज इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट नेशनल टेलीविजन पे दे दी है जो इनकी अपनी पार्टी अप्रूव करती है कि नहीं हमें पूछना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि राम मंदिर की छत ही नहीं है तो पानी तो आएगा, अभी भवन बना ही नहीं है पानी तो आएगा। तो आपने 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 इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया? क्या क्या आप अपने भाजपा के दूसरे नेताओं के साथ यही दिक्कत है ना? आप रुकिए आरपी सिंह जी और निवान जी, मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा। क्या है ना, आपने राम मंदिर वाली बात को पकड़ लिया, आरपी सिंह जी आरपी सिंह ने दिल्ली में पानी भरने वाली बात को पकड़ लिया, लेकिन जनता की समस्या को एड्रेस करने वाला कोई नहीं। आरपी सिंह जी प्लीज रुक जाइए सर। आरपी सिंह जी, अगर इतनी शर्म किसी को भी आनी है तो आप तमाम लोगों को आनी चाहिए कि जनता पानी के बीच में रहने को मजबूर है। एक एक घंटे दो दो घंटे में पानी भर जाता है, तीन स्टूडेंट्स की जान चली जाती है, तब किसी को शर्म नहीं आती है? लेकिन यहाँ एक दूसरे के बयानों पर जरूर शर्म आने लगती है। निवान जी जवाब दीजिए, मुझे कंप्लीट करना, जवाब दीजिए ना मुझे। दिल्ली में पानी भरने की समस्या दूर क्यों क्यों नहीं कर पाते हैं आप लोग? अब तो एमसीडी है ना आपके पास। देखिए 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 किस तरह से भाजपा प्रवक्ता ने हमें हमें गुमराह करने की कोशिश करी आपके सबके सामने है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। इन्होंने संसद भवन ऐसा बनाया है जो पहली बारिश में जिसमें लीकेज होने लग गई है। ये वो पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेते हैं ये, और टेंडर देते हैं, इसी वजह से लीकेजेस होती है। ये सारा का सारा पैसा जो बह रहा है वो भ्रष्टाचार में बह रहा है, इसी वजह से सब भवनों में लीकेज हो रही है, ये क्लियर है। और जहां तक दिल्ली की बात है, जहां तक दिल्ली की बात है, शर्मनाक है। दिल्ली में पानी भरना भी तो उतना ही शर्मनाक है ना, एक लाइन उस पर भी तो बोलिएगा ना। दिल्ली में पानी भरना भी शर्मनाक है। हम बताते हैं आपको क्यों शर्मनाक है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है सीवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम 1970 के टाइम से चली आ रही है, बीच में 15 साल भाजपा रही, इन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली में। अब हम शुरू से शुरू कर रहे हैं सारे क्या दिल्ली किया यही बता दीजिए सर। भाजपा पर दोष मरते रहिए, पुरानी व्यवस्थाओं पर दोष मरते रहिए, वादे करने से पहले क्यों बताते हैं जनता को कि हमें वक्त लगेगा? तब तो आप दिल्ली को एकदम नीट एंड क्लीन करने वाले थे। खैर जवाब ले लूं मैं जवाब ले लेती हूँ मलूक नागर जी। यहाँ तो सब ऐसा लग रहा है ना कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिससे जिसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ लूं वो दूसरे की जिम्मेदारी पर तो जरूर बहुत बड़ा ज्ञान देता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी क्या है ये नहीं पता किसी को भी। जी देखिए, देश की संसद में अगर पानी टपकता है और पूरी अगर बिल्डिंग के बनाने के प्रोसेस को देखेंगे और समझेंगे, और टाइम बाउंड पीरियड में अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो जाहिर सी बात है कि एक पूरा साल लगता है टेस्ट होके, अगले साल में जब जाएगी तो छोटी मोटी जो रिपेयर है वो होगी। लेकिन प्रश्न ये हुआ है कि बिल्डिंग टपकी और कमी कहीं ना कहीं थी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था 100% उसकी जवाबदेही बनती है, और जो लोकसभा का जो सचिवालय है वो इसको, मुझे तो लगता है, संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई भी होगी और तमाम उपाय अपनाए जाएंगे जिससे भविष्य में आगे ये ना टपके। दूसरा, दिल्ली में ही वो है, वहाँ जान गई है। कोई कह रहे हैं 3 लोग मरे, कोई कह रहे हैं 4 लोग मरे, कोई कह रहे हैं 5 लोग मरे, ये भी नहीं पता कितने लोग मरे हैं। तो उस दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक एमसीडी की है और एक सरकार पूरी है जिसके मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी हैं, और दोनों जगह आप पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी और दूसरी भी। तो जहां लोग मर गए उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय जहाँ कहीं पानी टपक रहा है उस पे लोग जाते हैं और उस पे चर्चा करते हैं, उस पे घेरने की कोशिश करते हैं, और प्राची जी जो आपने कहा एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। नहीं मलूक नागर जी, मेरे लिए तो ये भी अहम है ना कि मेरे देश की संसद जो कि 1200 करोड़ में बनी थी, 3 साल में बनकर तैयार हुई थी, और आप लोगों ने ये दावे किए थे कि बड़ी हाईटेक संसद है, उसमें अगर पानी टपकेगा और कॉन्ट्रैक्टर का भी दोष होगा तो मैं तो सवाल पूछूंगी ना कि देश की संसद में अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, इसका आलम और इसका इसका अंदाजा लगाना मुश्किल तो है नहीं? आप प्राची जी, आपका जायज है और वाजिब सवाल है, देशहित और जनहित को देखते हुए पूछना बनता भी है, और मैंने जवाब भी दिया। पर जहां 3 या 4 या 5 लोग मरे हैं, वायनाड जहां पे करीब 300 लोग मरे हैं, 500 लापता हैं, जहां 10 साल से अलर्ट हो रखा था, वहां की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया,
वहां का भी बनता है और ओल्ड राजेंद्र नगर का जो आपने कहा वो भी बनता, बनता है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल बनता है और बन भी रहा है। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ लेकिन इससे मैं संसद के लीकेज को छुपा दूं ऐसा हो नहीं पाएगा। अब सवाल कर लेती हूँ तहसीन पूनावाला जी से। सर ठीक है, आपका जवाब मेरे पास आ गया, कॉन्ट्रैक्टर की कमी, लोकसभा सचिवालय की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। तहसीन पूनावाला जी, ये तो तूतू मैमे की राजनीति हो रही है ना, और इस तूतू मैमे की राजनीति में देश की जनता कहाँ है या कितना सफर कर रही है ये कोई नहीं बता पा रहा है। वायनाड में इतने लोगों की मौत हो गई, केरल सरकार अलग कह रही है, केंद्र सरकार अलग कह रही है, लीकेज पर बवाल है लेकिन वाटर लॉगिंग पर सब एकदम खामोश, एकदम चुप। नमस्कार प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। लास्ट में बोल रहा हूँ, उम्मीद है जो कर्टेसी मैंने सभी फेलो पैनलिस्ट को दिए वही कर्टेसी मुझे मिलेगी। मैं जो भी डेटा कोट कर रहा हूँ प्राची जी आप इसे फैक्ट चेक करना, मैं आईएमडी के वेबसाइट से कोट कर रहा हूँ जो सरकार की वेबसाइट की सरकार की वेबसाइट है। मैं केरला के डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ। वायनाड में अप्रोक्सीमेटली 2500 mm रेन आता है 4 महीनों में, जुलाई से लेकर सितंबर के अंदर। पिछले साल ये करीबन 20% कम रेनफॉल मिला, 2400 के करीब रेनफॉल एमएम भी बात करो वायनाड को मिला। इस साल जुलाई तक वायनाड को करीबन 20% कम रेनफॉल मिला। जुलाई के महीने में, क्योंकि लैंडस्लाइड जुलाई में हुआ, वायनाड को एवरेज रेनफॉल से 20% ज्यादा मिला। उस दिन जो लैंडस्लाइड हुआ 600 mm रेनफॉल हुआ, 600 mm यानी कि जो पूरे उनके 4 महीने में मिलता है 2500 600 mm, 1/4 रेनफॉल, 25% रेनफॉल उस रात को हुआ, आईएमडी के वेबसाइट से बता रहा हूं। अब मेरा चैलेंज है भाजपा के प्रवक्ता को, मेरे अच्छे मित्र को, बीच में मत बोलना, मुझे बात समाप्त करने देना। माननीय अमित शाह जी ने आज पार्लियामेंट में कहा, वार्निंग दी थी, बिल्कुल सही कह रहे, वार्निंग दी थी, लेकिन कौन सी वार्निंग? ऑरेंज वार्निंग। मैं अमित शाह जी को कोट कर रहा हूं पार्लियामेंट से, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं पार्लियामेंट देख रहा था। उन्होंने कहा था हमने वार्निंग दी थी जिसमें हमने 20 mm रेनफॉल से अधिक रेनफॉल की बात की थी। प्राची जी आप सब यहां पर होशियार हो, विद्वान हो, मेरे से ज्यादा विद्वान हो। 2400 mm 2500 mm अगर 4 महीने में आता, यानी एवरेज रेनफॉल वायनाड को 100 mm मिल रहा है, उसमें आप 20 mm से ज्यादा वार्निंग दे रहे हो। 500 mm की वार्निंग बता दीजिए, 500 mm यानी कि 250 mm से अगर ज्यादा वार्निंग रेनफॉल होता है वो होता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट अगर भाजपा के प्रवक्ता है माननीय अमित शाह जी आज इंडिया टीवी पर रजत शर्मा जी को आकर दिखा दे, मैं शो पे आके अपोलोजाइज करूंगा, कल आपके शो पे आके अपोलोजाइज। उन्होंने ऑरेंज वार्निंग दी थी, रेड वार्निंग कहां दी है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की जिंदगी गई है, आप इससे खिलवाड़ कर रहे हो शब्दों से। देखिए मैं लेफ्ट का समर्थन नहीं हूं, मैं बिल्कुल लेफ्ट की सरकार को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन लोगों की जिंदगी गई है उसमें हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं दोबारा से दिल्ली के ऊपर। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के नीचे आती, उसने उस एसयूवी वाले को अरेस्ट किया। प्राची जी उस एसयूवी में आप हो सकते थे, मैं हो सकता था, आरपी सिंह जी हो सकते, कोई भी हम में से हो सकता था जो एसयूवी चला रहा, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसने पानी में गाड़ी चलाई। उस अभी तक एमसीडी के एक भी अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया। एमसीडी की परमिशन उस बिल्डिंग की 2021 में मिलती। मैं आम आदमी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो भी एक उनकी पॉलिटिक्स भी खराब है, लेकिन पुलिस किसके नीचे आती? उसमें अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत है, आम आदमी पार्टी भी खराब पर आता है ना। आप देखिए किसी प्रदेश में सरकार अगर आम आदमी पार्टी की है, या सर एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, अगर किसी भी प्रदेश की जिम्मेदारी तहसीन पूनावाला जी के पास है तो मैं डायरेक्ट पहले तहसीन पूनावाला जी से सवाल पूछूंगी या मैं ये देखूंगी कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्यों नहीं किया, या इसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया। मैं तो पहले पूछूंगी ना कि पानी क्यों भर गया, बिल्कुल बताइए ना पानी क्यों भरा, तो ये तो आप पूछते ही नहीं है ना। बिल्कुल केरला बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनको बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को हटाइए, बर्खास्त कीजिए, मैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, और जो गिल्टी उनको अरेस्ट कीजिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अरेस्ट कौन हुआ? प्राची जी अगर उस एसयूवी में आप होती या मैं होता, हम अरेस्ट होते, क्या करें? एसयूवी सर पे लेकर चले अगर पानी हो, हम टैक्स भरते, उस एसयूवी वाले ने गाड़ी पे टैक्स भरा, पेट्रोल पे टैक्स भरा और वो अरेस्ट हुआ। तीन बच्चों की जान जाने के बाद भी अभी भी सिर्फ जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे एमसीडी के अधिकारी हो, चाहे फिर दिल्ली पुलिस हो, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूं। लेकिन तहसीन जी चाहे ऑरेंज अलर्ट हो चाहे रेड अलर्ट हो, आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि ऑरेंज अलर्ट के बाद भी केरल सरकार ने क्या कदम उठाए थे या वहां पर क्या सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो किए गए थे, सेफ्टी मेजर्स? मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं दोबारा से कह रहा हूं मैं केरल सरकार का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन कल के दिन गुरुग्राम में, मैं इस वक्त गुरुग्राम से शो कर रहा हूं, ऑरेंज अलर्ट था गुरुग्राम में,
ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है प्राची जी। रेड अलर्ट अगर किया गया था, मैं कहता हूं केरला सरकार को बर्खास्त के लिए किया गया था, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने क्यों डाले? चले मैं कहता हूं केरला सरकार की गलती, चलो एक मिनट मान लेते माननीय प्रधानमंत्री, अभी एक सेकंड रूल चेंज कर दे, एमपी प्लेटफॉर्म आप दीजिए उनको कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बीजेपी सरकार के बारे में एक शब्द कहने को, ये सरकार ने एलएलबी किया है। एलएलबी क्या है? लीकेज लाइज और लेकिन कोई खुलकर आम आदमी पार्टी से सरकार पूछता नहीं है, क्योंकि वो आपके इंडिया अलायंस में बैठे हुए हैं। दिल्ली में आपका संगठन सवाल पूछ देता है, लेकिन जो आपका शीर्ष नेतृत्व है वो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है। घटना पर दुख जरूर व्यक्त कर देता है, जिम्मेदारी लायबिलिटी तय करेंगे, तब तो आम जनता परेशानी से बचेगी ना। आरपी सिंह जी आप कह रहे हैं सर, कहलवाइए ना प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, एक बार कहलवाइए, बनाइए ना दबाव। वो बिचारी वायनाड में गए मोदी जी, वायनाड आरपी सिंह जी, वो बिचारी, मैंने अभी मैसेज किया, बिल्कुल सर मैंने वो तस्वीर दिखाई भी है, मैं प्रियंका जी तो वायनाड में, बिल्कुल मैंने वो तस्वीर दिखाई भी है, लेकिन वायनाड से पहले का हादसा है सर, ये वायनाड से पहले का हादसा है, दिल्ली का। बोलिए आरपी सिंह जी, आपने दिखाई है, लीक प्रूफ सरकार नहीं है, घूम फिर कर वही आ जा रहा है। आप लोग झूठ बोलते हैं, आंकड़ों में आप गफलत तो करते हैं और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करते हैं। 300 के करीब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीर एक समझदार और चलाक वकील भी है, उन्हें बड़ी स्मार्टनेस से 20 इंच को 20 mm को कन्वर्ट कर दिया। वो 20 इंच की वार्निंग थी कि 20 इंच पानी की संभावना है, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने हिसाब से, जैसे सूटेबिलिटी बढ़ती, इनको लगता कि यहाँ बैठे हुए लोगों को एमओवर इंच का फर्क नहीं पता होगा, इसलिए कन्वर्ट कर दिया उसको। परंतु जो सच है कि केंद्र सरकार को एक हफ्ता पहले वार्निंग दी गई, 3 बार नोटिसेस गए और लगातार नोटिस गए। अब वो हाथ की सरकार अगर नोटिस खोलेगी, मैंने आपको उदाहरण दिया, आपको मैंने तो अभी गुजरात का या बाकी राज्यों का नहीं दिया, मैंने तो उदाहरण दिया उड़ीसा का, जब बीजू जनता दल की सरकार थी तब भी इस प्रकार की वार्निंग गई, एक पशु की जान नहीं गई, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए काम किया, समय रहते हुए चेते और ठीक किया। हाँ, जहां तक दिल्ली की बात है, मैं तो अभी कह रहा हूँ आप 18 जून का कृपा करके दिल्ली की मेयर साहबा का वो वीडियो चला दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो करो मैं चला देता हूँ। इसमें वो कह रही कि दिल्ली में हमने 92% पानी को डाले साफ कर दिए, ये रहा मेरे पास वीडियो, मैं एक मिनट दे दीजिए, मैं वीडियो चला देता हूँ ताकि आपके दर्शकों की जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोगों की साफ सफाई। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली की मेयर कह रही है, अब जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि वो जो सफाई हुई उसका डिसल्टिंग का पैसा किसकी जेब में गया, उसकी चर्चा नहीं हो रही। फिर मेरा चैलेंज सरकार कर लीजिए, जिस क्षेत्र में ये हुआ है उसी क्षेत्र में नराना गांव, पांडे नगर, उसी क्षेत्र में 10 ग्राम टोडापुर, बुद्ध नगर, जरा अभी किसी अपने कैमरामैन को भेज दीजिए, मैं दिखा दूंगा, नरकीय जीवन है, गलियों में पानी भरा हुआ है, सीवर का आउटफ्लो नहीं है, उसी रिंद्रनगर विधानसभा के अंदर, और तो और जिस उसी क्षेत्र के अंदर जहाँ पर विधायक साहब रहते हैं उसी तो उसी सड़क के ऊपर पानी भरा होता है। सिंह जी आपको दिख रही है ना परेशानी, आरपी सिंह जी आपको दिख रही है परेशानी, आप इनवाइट कर रहे हैं मुझे भी, मेरे कैमरा पर्सन को भी, कि हम दिखा दें वो तस्वीर आकर, मैं दिखा दूंगी और मैंने दिखाई है, मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में भी गई, स्टूडेंट्स की समस्या भी समझी और वो इलाका भी दिखाया जहाँ पानी भरता है। लेकिन यही जिम्मेदारी जब खुद पर आन पड़ती है तो चुप्पी क्यों साथ लेते हैं? हाँ, यहाँ तो आपने बड़ी आसानी से कर कह दिया, कॉन्ट्रैक्टर, नहीं, नहीं, ग्लास ग्लू, गर्मी ज्यादा पड़ी, वहाँ पर नहीं, नहीं जहाँ है वहाँ किसी की जान गई क्या? परंतु अगर चलिए जान वाली घटना पर भी बात कर लेती हूँ, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बताइए जरा, पर्टिकुलरली दिल्ली की बात कर लेती हूँ, आइए आपसे दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बताइए तो जरा, आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनी? दिल्ली पुलिस को अगर एमसीडी कोई भी जानकारी देगी उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ, मैं आपके इस इशू पर पक्ष में हूँ कि जो एसयूवी ड्राइवर पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन किया वह ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए था, मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि उसकी कोई गलती में मतलब मैं उस पर तो की जा रही है आई वॉश है ना, आप कार्रवाई करते हैं, आप आई वॉश करते हैं, सब अपने अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी आप यहाँ बैठकर मान रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो एक कारनामा करके दिखा दिया ना, और यूपी विधानसभा में जो पानी भरा, अब वो क्या अखिलेश जी की गलती से भर गया? सदन चल रहा था तब पानी भरा है, उस पे भी चिंता होगी और पूरी रिपोर्ट आएगी और उस पे जो लोग दोषी होंगे उस पे काम होगा। परंतु क्या दिल्ली के जैसे 92% क्लेम कर रही थी? ठीक है, हम इंतजार करते रहे कि पानी भर गया है, अभी जांच हो रही है, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि पानी भरा कैसे, रिपोर्ट आने से सब कुछ ठीक हो जाता है। आरपी सिंह जी आप ये कह रहे हैं, जवाब दे देंगे अब आपको प्रदीप जी, फिर उसके बाद निवान जी आपके पास आ रही हूँ।
रिपोर्ट आ रही है ना, इंतजार कर लीजिए, तय कर देंगे वो जिम्मेदारी कौन दोषी है। देखिए प्राची जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरबी सिंह जी ये कह रहे हैं कि कोई जान गई क्या। तो पहले तो ये बात है कि जान जाने का इंतजार करेंगे और जान चली जाएगी जब जब उसके बाद ये खानापूर्ति करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत देखिए आप, अभी मैंने गिनाया आपको हजारों गांव और कितने दो दर्जन से ज़्यादा जिले जो इस बाढ़ से प्रभावित है, जहाँ जान माल सबका नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ खेती बर्बाद हो गई है, सब बर्बाद हो गई। पिछले 10 साल से आपकी सरकार चल रही है और 7 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और दोनों की डबल इंजन सरकार, अगर आप इतना भी फर्क चेंज नहीं ला पा सकते आम आदमी की ज़िंदगी में, तो आपको ऐसी सरकार में रहने का कोई हक भी नहीं है आर पी सिंह जी। उसके साथ साथ सारी स्मार्ट, जो स्मार्ट सिटी की बात करने वाली सरकार, सिर्फ स्मार्टनेस अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, सरकार बचाई जा रही है और चाहे दिल्ली में भी वही हाल है कि सरकार बचाई जा रही है। आप इसका ध्यान लोगों की क्लियर कर दीजिए सर, दिल्ली में दोनों सरकारें आ जाती है ना, केंद्र सरकार भी, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार अपनी सरकार बचा रही है। जैसे मैंने बताया बाढ़ में आप उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा प्रदेश जिस जो इतने लोग प्रभावित हैं उसके लिए आप बाढ़ के लिए राहत इतनी आप में आप इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि आप ये इसके लिए जरा सा भी बजट नहीं दे पाए। आप हिमाचल से लेकर उत्तराखंड से तक बजट दे गए और बिहार को करोड़ों का पैकेज दिया, आप देते उत्तर प्रदेश को भी तो बाढ़ राहत के लिए कुछ बजट देते, क्योंकि आप वहां पे हार गए। तो आप इस तरह का व्यवहार अगर रखेंगे तो आप जनमानस के लिए, सबके लिए भले के लिए आप सरकार नहीं चला रहे, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार चला रहे। और मैं दुष्यंत जी की दो लाइनों के साथ जरूर ये कहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे दिल्ली में केंद्र सरकार हो, उन दोनों को हजारों करोड़ों रुपए की जो लूट कर रहे हैं, सरकार भी जोड़ देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप वाकई में सूरत बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी चिंता मुझे अच्छी लगती है, लेकिन यही चिंता दिल्ली वासियों के लिए भी कर लीजिए ना, वो भी तो उत्तर प्रदेश से गए हुए लोग हैं ना, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से रहते होंगे, और तो उनकी भी चिंता थोड़ी सी जाहिर कर देते। अखिलेश यादव जी ने कई बार ये मुद्दा उठाया और आपने भी अगर देखा होगा मीडिया में ये आप संसद भवन के बाहर उनकी बाइट आप देख लीजिए। मैंने देखा है, मैंने सब चलाया, लेकिन जितने तीखे प्रश्न आप यूपी को लेकर पूछते हैं एक बार पूछ लेते ना, तो शायद विमान शर्मा जी जवाब दे जाते। मलूक नागर जी की तरह ये तो नहीं कह सकते कॉन्ट्रैक्टरों की गलती थी, मलूक नागर जी जवाब सरकार की होती है, भेदभाव हो गया यूपी के साथ, किसी को चिन्हित करना चाह रहे हैं सबसे छोटे यूपी के साथ को चिन्हित करना चाह रहे हैं, यूपी के साथ हो गया भेदभाव और उस भेदभाव की चिंता हो रही है यहाँ प्रदीप भाटी जी को। बाढ़ हो रही है, बारिश आ रही है, अब तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि आपके विधान भवन में पानी भर रहा है, वो भी तब जब सभाएं चल रही हैं। फिर आ रही हूँ तहसील जी, मलूक जी, जी प्राची जी, मेरा आप इसे सवाल देखिए, ये भाटी जी की बात सही है और भाटी जी की बात सही है कि अंग्रेजों की सरकार के बाद और 2024 तक ऋषिकेश हरिद्वार से आगे जब गंगा निकलती है, पहले एक ही था उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड अलग बना है और उत्तर प्रदेश अलग, और जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ तो उत्तराखंड से जब उसमें आते हैं तो वो बिजनौर जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ उसमें घुसते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है, हजारों नहीं, ये कहीं हमारे भाटी जी का होमवर्क पूरा नहीं है ऐसे तो नहीं कहूँगा, पर कम से कम 25,000 गांव हैं जहाँ जहाँ गंगा जाती है पूरी चारों तरफ बाढ़ होती हुई जाती है। और करीब 40 साल पहले अटल बिहारी जी ने विपक्ष में रहते हुए ये मुद्दा उठाया, सुझाव दिया, और जब वो प्रधानमंत्री थे तो इस पर कार्रवाई करी कि जहाँ जहाँ बाढ़ आती है उसको एक ऐसी व्यवस्था करें, जहाँ जहाँ देश में सूखा पड़ती है वहाँ नदियाँ बना के उनसे जोड़ें। तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी और जब माननीय अटल बिहारी जी की सरकार आई, यानी कि बीजेपी एनडीए की सरकार आई, उसमें उन्होंने शुरुआत करी और उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन बीच में फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार आई और वो नहीं हो पाया काम आज तक भी। और प्रदेश में वहां डबल इंजन की सरकार है ना, सूची पूरा इतिहास से शुरू होता है, प्रेजेंट पर बात कर लेती। प्राची खत्म कर रहा हूँ प्राची प्लीज खत्म कर रहा हूँ। 68 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए और 1200 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए,
प्राची खत्म कर रहा हूं बस, और उस पर काम भी चालू है, लेकिन वाकई बाढ़ की समस्या है पूरी बिजनौर लोकसभा और आसपास में वाराणसी तक। अभी तो आप पिछली सरकारों पर सब कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार और राजधानी लखनऊ में पूरी तरह नष्ट हो गए, 25 नहीं हो सकता कई हजार गांव चालू है रूपनगर जी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां पर कार्रवाई चल रही है, बजट सेशन चल रहा है, उसमें अगर पानी भरेगा तो शिवपाल यादव सही कह रहे हैं ना कि भाई एक बजट होना चाहिए यूपी विधानसभा के लिए भी, कि आप वहां पानी ना भरने दें। ये जिम्मेदारी तो आप ही की है, या पूछूं प्रतिभाटी जी से इस सवाल का भी जवाब। में भी पानी भर गया था, आपने देखा होगा किस तरह से पैसे की लूट हुई और फिर पानी भर गया पूरा। बजट की तो इसमें प्राची जी बात ही नहीं है, आपका 85 सेक्टर में आपका पूरा ऑफिस है, और प्राकृतिक आपदा जरूरत से ज्यादा बारिश आ जाए और कुछ टपक जाए, कुछ पानी भर पाए, तो इंडिया टीवी में आप क्या करोगे? ठीक है, फिर तो सब कुछ भगवान भरोसे ही है ना, यही सवाल पूछा था मैंने। मैं सवाल ही खत्म कर देती हूँ। देश की जनता, आप कह दीजिए ना, आप इंडिया टीवी के दर्शकों को कह दीजिए कि प्राकृतिक आपदा के आगे सरकार है बेबस, तो हमें थोड़ी शांति रखनी होगी और रिपोर्ट्स का करना होगा इंतजार। नहीं, ऐसा नहीं है, I'm sorry, अपने शब्द आप प्राची जी आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। इसमें जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं जिनकी ढील की वजह से हो रहा है, इसमें जांच करके उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, कुछ अफसर ही करेंगे, सरकार तो शायद कुछ नहीं कर पाए। अब तहसीन पूर्ण उठाए जाएंगे, फिर निवान जी सीधा आपके पास आऊंगे, तहसीन जी के पास चली जाती, फिर सीधा निवान जी आपके पास आऊंगे। तहसीन पूनावाला जी, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी है नहीं, मैं बार बार ये पूछ रही हूँ क्योंकि मैं यही देख रही हूँ, अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने भी, कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ हम गलत हैं और हम इस चीज को दुरुस्त करेंगे और जनता ठीक हो जाएगी। ये जो एलएलबी वाली सरकार तो है, इससे क्या बुलवाओगे? वाली सरकार यानी भाजपा की सरकार। चलिए मैं यार प्राची जी, ऐसे नहीं होता ना, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। ये जो एलएलबी वाली सरकार है, थैंक यू, ये जो एलएलबी वाली सरकार है, लीकेज लाइज और ब्रेकेज वाली सरकार, यानी भाजपा की सरकार, चलिए मैं मान लिया, बाकी सब जगह पे सबकी जिम्मेदारी, केरला में केरल की सरकार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सर, सबकी जिम्मेदारी। गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ, इतने लोग हमारे वहाँ पे गुजर गए, वो अजंता वाला अरेस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि अजंता वाला मन की बात और चाय पे चर्चा भाजपा के नेताओं से करता था। ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है भाई, इस पे जूम करो, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है प्राची जी, देख लीजिए इंडिया टीवी, जूम करो ना भाई इस पे, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। पिछले 15 दिन में 10 पुल गिरे बिहार में, जूम करो इस पे, दिख रहा है, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, 10 पुल गिरे बिहार के अंदर। इसमें भी राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, किस पे डालेगी अब जिम्मेदारी? कब तक होगा ये सब पे हम जिम्मेदारी डालेंगे? बिहार में 20 साल से 15 साल से कौन मुख्यमंत्री और किसकी सरकार चल रही है अधिकतर? गुजरात के अंदर 20 साल से किसकी सरकार है, वहां पर किसने जिम्मेदारी ली? प्रधानमंत्री ना बिहार गए, ना गुजरात गए जहां पुल गिरा, ना दिल्ली गए जहां पर बच्चे गुजर गए, ना वो केरल गए। प्रधानमंत्री जी करते क्या है? उत्तर भारत में एक कैंसर, उत्तर भारत में एक कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, ये कैंसर का पेंडेमिक इसलिए चल रहा है, बोले तहसीन जी, उत्तर भारत में एक कैंसर का पेंडेमिक, उत्तर भारत में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, कैंसर का पेंडेमिक इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकार सारे तरह की दवाइयों का मैनिपुलेशन होने दे रही है। वो क्या स्टेट सरकार के नीचे आती है? इस देश में एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्राची जी, ये सारी आपदाएं नहीं, भगवान भरोसे रहे? कौन से मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री ने कैंसर पेंडेमिक और हार्ट अटैक पे बुलाई? कौन से मीटिंग उन्होंने एनवायरमेंट उठाया? अब मैं आपको प्रेडिक्शन करके अपनी बात समाप्त करता हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। अब मॉनसून चल रहा है, विंटर चालू होगा अगले 2 या 3 महीने में, फिर वहां पे पोल्यूशन चालू होगा, फिर प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे, फिर पोल्यूशन बढ़ेगा दिल्ली के अंदर, क्या उसके लिए एक्शन लिया गया? फिर इंडिया टीवी पे डिबेट होगी, क्या एक्शन लिया गया? आते हैं जहां आप लोगों की सरकार है वहां आते आते ये सुर थोड़े धीमे पड़ जाते हैं, बिल्कुल ये काम सरकार प्रधानमंत्री रिजाइन कर राहुल गांधी करेंगे या प्रियंका गांधी करेंगे या सोनिया गांधी करेंगे या कांग्रेस वाले करेंगे, जिसकी जहां पर सरकार है उसको काम करना होगा निवान जी, जिसकी जहां पर सरकार है उसे वहां काम तो करना होगा ना निवान जी। चलिए लौटूंगी उनके पास, वो शायद संपर्क उनका टूट गया, जवाब दे दीजिए मलूक जी, दे दीजिए जवाब जी का, थैंक यू। हाँ देखिए अभी तहसीन पूनावाला जी ने कहा बिहार में इतना, यूपी में उतना, एनडीए की सरकार है, वहां एनडीए की सरकार है। अरे ये देखो, जब ये पुल बने थे, जब ये ब्रिज बने थे तो कौन से सन में बने, जब किसकी सरकार थी, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, चूक गया। आज की तारीख में अकेले रेस्पॉन्सिबिलिटी, चुनाव से पहले पुल का उद्घाटन किया गया था और चुनाव के बाद गिर गए मल्लुक भाई,
भाजपा सरकार में मोदी जी ने उद्घाटन किए बिहार में पुल, अगर कहीं इस तरह और चाहे वो अटल आपकी चाहे वो उसके बॉम्बे के अंदर हो अटल सुरंग, उसमें उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। नहीं, ये आपको अधूरी बात है भाटी जी, ये एक दो जगह ऐसी हो सकती हैं, बाकी इसमें 90% वो हैं जहां कांग्रेस की सरकार रही है। उनकी बात करना चाहती हैं, ब्रिज बने उस समय, कई दशकों से पुल बने और टूट गए, रिकॉर्ड निकाल लो उनकी, उनकी बात पे आप कॉन्ट्रैक्टर को नहीं निकाल लो, उनको उनके लिए सरकार जिम्मेदार है। पहले पूरा पूरा इसकी पूरे आंकड़े हाथ में ले लो पहले। नहीं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है सरकार। लेती हूं। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात भी मान लेती हूँ मलूक नागर जी, मुझे आगे बढ़ना है, आरपी सिंह जी से जवाब लेना है, लेकिन ये भी तो बड़ा बेतुका तर्क हुआ ना कि अगर किसी सरकार के शासनकाल में पुल बन गया तो उसे गिरने की आजादी है क्योंकि अब उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या वो सरकार अभी है नहीं। ये तो बड़ा बेतुका तर्क आप दे रहे हैं। अब निवान जी जुड़ गए, सीधा उनके पास जाती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। निवान जी, आपके साथी दबी जबान में ही सही लेकिन आपकी तरफ इशारा तो कर रहे हैं, गड़बड़ी तो हुई है लेकिन उस गड़बड़ी को एड्रेस करने के लिए कोई तैयार है नहीं, अभी भी पानी तो भर रहा है ना दिल्ली में। देखिए, हम मैंने आपको पहले भी कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागते हैं, हम ऑन ग्राउंड है, काम कर रहे हैं। और अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, इतने सीनियर प्रवक्ता, इन्होंने क्या कहा कि क्षति तो लीक करी है, कोई जान थोड़ी गई। अब देखिए शॉकिंग है किस तरह से ये इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दी, जो इतनी सारी 13-14 ट्रेन जो है डीरेल हो गई वहां पे जान गई, उस पर क्या कहेंगे ये, वो कोई मायने नहीं है। अभी तहसीन जी ने बताया किस तरह से गुजरात में पुल गिर गया, उसमें कितनी सैकड़ों जाने गई, ये केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। अभी इन्होंने हमारे मेयर की एक वीडियो दिखाई, वीडियो दिखा के उसमें मेयर क्या बोल रही है कि 85% जो है वो डीसिल्टिंग हो चुकी है। ये तो इन्होंने खुद ऑथेंटिकेट कर दिया हमारी बात को, हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, हम जो ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश रेगुलरली दे रहे हैं, हम रेगुलरली मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने तो वीडियो रिलीज कर दी ऑफिसर्स की, ये कहते हैं जब जहां पर हम दिखा रहे हैं कि ऑफिसर्स ने हमें कहा कि यहाँ पे 100% वर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन मंत्री जी ने पर्सनली साइट को विजिट करके पिक्चर्स क्लिक करके मीटिंग्स में प्रोजेक्टर पर दिखाई कि आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं हुआ, आप काम इसको कंप्लीट करिए। ये बीजेपी वाले केवल और केवल राजनीति करते हैं, उनको काम कोई नहीं करना। पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकारें चल रही हैं आप देखिए जाके, आज मैं आपको गुड़गांव की बात बताता हूं, 3 लोगों की मृत्यु हो गई आज करंट लगने से पानी में, लेकिन ये बात नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी भी लेंगे किसकी किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है गुड़गांव में, किसकी सरकार है गुजरात में, भाजपा की सरकार है हरियाणा में, भाजपा की सरकार है, जहां जहां पर प्रॉब्लम्स है भाजपा करंट लगने वाली बात कर दी आपने तो दिल्ली पर भी आइए बात कर लेते हैं। और अगर इतना ही काम आप लोगों ने ग्राउंड पर किया है तो ये पानी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग, ये पानी बार बार क्यों भरता है? और अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं तो बताइए ना, आपने इसके खिलाफ कोई शिकायत की हो, आपने कोई पत्र लिखा हो, आपने कोई धरना किया हो, आप कोर्ट का दरवाजा आपने खटखटाया हो, लग रहा है ना कि आपने दिल्ली की जनता को छोड़ दिया कि हमारी अधिकारी सुनेंगे नहीं, जब पूछेंगे तो हम कह देंगे भाई ये तो एलजी साहब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं, हमारा फोकस एंटायरली ऑन दिल्ली है, हमें भाजपा की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये काम नहीं करते, केवल राजनीति करते, तो हमें इन्हें एक्सपोज करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। लेकिन हमारा फोकस केवल और केवल काम पर है। दिल्ली के अंदर ये लैंड लॉक्ड एरिया है, 50-50 साल पुराने सिस्टम्स हैं, बीच में 15 साल भाजपा रही, पुराने सिस्टम्स को दोष देना आप लोग बंद कर दीजिए। आज जनता सोल्यूशन चाहती है और आप सब प्लीज आज सोल्यूशन के साथ बात करिए। आप बताइए कहां पर काम किया आप लोगों ने, चलिए बताइए। अभी हादसा हुआ उल्ड राजेंद्र नगर में, एक सेकंड निवान जी, अभी हादसा हुआ उल्ड राजेंद्र नगर में, 15 साल भाजपा, वहां बुलडोजर चल गया एमसीडी का, आपने एनक्रोचमेंट को तोड़ दिया जो नालियों पर बना हुआ था, पानी तो फिर भी भरा, बताइए कहां काम किया आपने। बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर हमें आए हुए एमसीडी में एक ही साल हुआ है, हमने एक साल में पूरा प्लान बना के काम करना शुरू कर दिया है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो वाटर लॉगिंग, जो ओल्ड बैरल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू जो दिल्ली में है वो ओल्ड बैरल्स हैं, जहाँ पे जो सीवरेज है और जो बिग ड्रेनेज आके मिलता है। सोल्यूशन बताइए, अब आप एमसीडी में भी हैं और आप सरकार में भी हैं, लेकिन मुझे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है निवान जी, और ओल्ड राजेंद्र नगर के लोगों की समस्या तो मैंने खुद जाके जानी है, वहां के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मैंने खुद समझी है जाकर, तो कम से कम उस प्रॉब्लम को आप लोग भी एड्रेस कर लीजिए, बंद कर दीजिए ये खेल एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का। आरपी सिंह जी इस बात का जवाब देंगे। आरपी सिंह जी, एक लीकेज को आप कह देते हैं कि भाई किसी की जान तो नहीं गई, जान जाने का इंतजार कर लें क्या आप, तभी घटना को घटना मानेंगे हम? प्राची, मैं कह चुका हूँ कि वो जो लीकेज है वो कुछ ग्लू ऊपर से जो बोन जो दो शीशों को जोड़ती है उसमें कहीं क्रैक आया है, उसकी चिंता हो रही है, परंतु ये कितना झूठ बोल रहे हैं। अभी इनके मैंने मेयर का उस गांव में जो 3 लोगों की जान चली गई उसमें क्या बोलेगा ये? प्राची, मैं चाहता हूँ डिबेट से, गांव में करंट लगने से पानी में 3 लोगों की जान चलेगी क्या बोलेंगे आप, माफी मांगेंगे आप अपनी स्टेटमेंट के लिए?
मुख्यमंत्री को बर्खास्त करेंगे। ठीक है निवान जी, वो जो सवाल आपके जहन में है ना उतनी तीखे सवाल मेरे भी हैं आरपी सिंह जी से, आप यकीन मानिए जितना आपसे सवाल करूंगी उतना ही उनसे, थोड़ा सा पेशेंस ले सुन लेते हैं, जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। मैडम जवाब फिर आ रही हूँ। 92% सफाई करने के लिए छाछी ठोककर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली मेयर साहब, पता नहीं पा रही की पैसा कहाँ किसकी जेब में चला गया, मेयर साहब की जेब में गया किसी और की जेब में गया, कौन से अफसर की जेब में, उसकी जानकारी नहीं दे रही। परंतु जो मूल बात है ये कह रहे कि हमारे को अधिकारी काम नहीं कर दे रहे, सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो रिलीज कर दी, अरे उन्हीं अधिकारियों से आपने 56 करोड़ का शीश महल बनवा लिया था पीडब्ल्यूडी से, वही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे ना 56 करोड़ रुपए का शीश महल या ताजमहल अपने मुख्यमंत्री के बनवा लिया था, उन्हीं अधिकारियों से आपने शराब के अंदर घोटाला कर लिया, आपने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से किया आपने, कमाल होगी आपकी, वो अधिकारी आपकी सुनते नहीं, जो अधिकारी जब आपके, मैं अभी कह रहा हूँ इसकी जब जांच आएगी तब पता लग जाएगा कि किस किस की जेब में कितने कितने करोड़ रुपए गए और उन पैसों से कहां कहां जाकर चुनाव लड़ा गया, गुजरात में जा या गोवा के अंदर कहां कहां इलेक्शन लड़े गए, ये जानकारी दीजिए कि लाखों करोड़ों का बजट जो दिल्ली और यूपी में दिया गया है जिसकी बात मैंने शुरुआत में कही उसमें किस किसने लूट बंदर बात करी है वो भी आप बताते चलिए। आपने जाकर चुनाव लड़े 17 साल आपके और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार में लाखों करोड़ों का बजट बंदर बात किस किस के नाम पे हुई है वो भी बताते चलिए, और किसने चुनाव लड़ा और जीता उसमें उस पैसे से और जनता के लिए क्या मिला। एक मिनट प्रदीप, अभी देखिए सारी बातें आ गई इसमें आरपी सिंह जी, आपने शराब घोटाले का जिक्र कर दिया, आपने गुजरात के चुनाव का जिक्र कर दिया, आम आदमी पार्टी की सारी नाकामी का आपने जिक्र कर दिया, अधिकारियों का नाम आप ले रहे थे, मजबूर है ना निवान शर्मा जी और उनकी पार्टी, तो अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अधिकार तो दे ही नहीं रखा आपने इनको, वो सुनते नहीं है, मनमानी करते हैं। एल जी साहब से कहिए ना कि सुने दिल्ली की सरकार की, तब कुछ काम हो पाएगा। वो एल जी साहब की मर्जी के खिलाफ जाकर 56 करोड़ का शीश महल बन गया, सीएम के लिए निवास बन गया, वो 5% से 12% तक जो कमीशन थी वो बढ़ा दी गई, वो एक के साथ एक बोतल फ्री दे दी गई, वो दिल्ली में एलजी थे ना फिर भी इन्होंने किया अपनी मर्जी से किया, वही अधिकारी थे जिनसे कराया दिल्ली के अंदर, मैं 700 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में था। नाकाम सरकार है, कुछ काम नहीं कर पा रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है क्या, वहाँ भी पानी भर रहा है, विधानसभा में पानी भरा है, वहाँ बाढ़ भी आ रही है। मैंने कहा बाढ़ आना और नालियां साफ ना होना अलग बात है, परंतु हाँ विधानसभा वाला मामला जैसे रिपोर्ट आएगी, मैं जैसे मैंने आपको कहा था पार्लियामेंट की रिपोर्ट आएगी आपके सामने बात करूंगा, और वो रिपोर्ट आपकी जब चलती है इसी प्रकार जैसे विधानसभा की रिपोर्ट आएगी उसकी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। सर यही कन्वीनियंस को आप लोगों को खत्म करना है, लखनऊ पर सवाल पूछूं तो रिपोर्ट का इंतजार करूं, लेकिन दिल्ली की वाटर लॉगिंग जो है वो सरकार की नाकामी है। सर ये दोहरा रवैया आप लोगों को चेंज करना है, आपको जिम्मेदारी लेकर बताना है कि पानी आगे नहीं भरेगा, नाली क्यों नहीं साफ हुई लखनऊ में बताइए ना, हमने 92% नालियां साफ करा दी। तहसीन पूनावाला जी सर ये बताना था आपको कि वहां नाली साफ हुई कि नहीं हुई लखनऊ में, दिल्ली में तो साफ दिख रही है कि नाली साफ नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में क्या हो गई है, होने के बाद पानी भरा है, या मैं रिपोर्ट का इंतजार कर लूं या जनता से कहूं कि रिपोर्ट का इंतजार करो पहले, तब तक आप पानी से दो चार रहो। तहसीन पूनावाला जी सारी बातों को छोड़ देते, सीधा एक केंद्र के मुद्दे पर बात करते, सिर्फ उसी मुद्दे पर उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आज इंडिया टीवी के आवाम को। मैं यहां पर डिबेट समाप्त कर देता हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आज पार्लियामेंट के अंदर रेल मंत्री जिनसे सवाल पूछा गया कि 15 डीरेलमेंट और एक्सीडेंट क्यों हुए पिछले 2 महीने में, कोई आंकड़ों में हेरफेर नहीं है, वो कहते सोशल मीडिया पे दोष देते कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है। भैया डीरेलमेंट क्यों हो रहा है ट्रेन का, लोग क्यों गुजर रहे, सोशल मीडिया पे आप मेरी आलोचना क्यों कर रहे, ये कोई लॉजिक है प्राची जी, इनसे आप कुछ भी बोलो। एक तो प्राची जी आपके पास होगा क्रेडिट कार्ड, किसी के पास होगा डेबिट कार्ड, भाजपा के पास है परमानेंट विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड निकालो, रोना शुरू करो, और रोने के बाद नेहरू से लेके राजीव गांधी तक सबको गाली दो, और उत्तर प्रदेश में लेके अखिलेश यादव से लेकर सबको गाली दो। भैया आपने क्या किया 10 साल 11 साल में, उसका उत्तर दो, उसका जवाब दो, उसका हिसाब दो। रेल मंत्री अगर कहते सोशल मीडिया मुझ पर आलोचना कर रहा है क्योंकि 2 महीने में 10 डीरेलमेंट हो गए, तो इसका जवाब आप क्या दोगे, इनके पास कभी कोई जिम्मेदारी समझनी होगी। तहसीन पूनावाला जी तो साइमल्टेनियसली जो राज्य सरकारें हैं उनको भी अपनी
अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। दोनों अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तब जाकर जो देश की जनता है ना, जो देश की आवाम है, जिसकी चिंता आपको, मुझको और मेरे पैनल में बैठे सभी लोगों को है, शायद उनकी प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। और ये पानी भरना, करंट लगने से मौत हो जाना, डूब कर 3 छात्रों की मौत हो जाना, इससे शर्मनाक तो कुछ नहीं हो सकता। ये सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी। बहरहाल इतना ही समय था मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने।